मैं चैनल तो मैं आ गया एक नई वीडियो के साथ, नई पाउडर के साथ। जैसे कि सबको पता है मिर्जा में बहुत सारे पाउडर का रिव्यू देती हूँ, इस वजह से मैं और एक पाउडर का रिव्यू आपके साथ शेयर करने के लिए आ गए हूँ। तो मेरे चैनल में बेसिकली बहुत सारे स्किन व्हाइटिंग क्रीम के ऊपर वीडियो है ऑलरेडी, क्योंकि स्किन व्हाइटिंग पाउडर पर बुढ़े में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उस पर उस टॉपिक पे वीडियो बनाना, क्योंकि वो आजकल तो सबको चाहे अच्छा आजकल सब चाहते हैं फेस अच्छा दिखे, ब्राइटन दिखे, तो इस वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई करते रहते हैं। तो गाइस एक्चुअली हमारे फेस में कभी कभी बहुत सारे पिंपल खिसके दाग रहते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन रहते हैं, मेलेस्मा रहते हैं, व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स वो रहते हैं, और स्किन पे अनइवन हमारे फेस पे अनइवन स्किन हो जाते हैं। इस वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम ठीक करने के लिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। वैसे मैं आपके साथ शेयर करने के लिए और इसके ट्रीटमेंट करने के लिए और प्रोडक्ट का लेके आ गया हूँ, जो शेयर करने आ गया हूँ आपके साथ, जो कि इस पर सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए मैं एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ, जो प्रोडक्ट एक स्किन व्हाइटनिंग क्रीम है। तो बेसिकली जिस क्रीम के बारे में बता रही हूँ आपके साथ बता रही हूँ वो है ये वाला क्रीम जो आप देख सकते हो। तो गाइस ये है नो दाग, ये आप दाग नहीं सिर्फ निखार दिखेगा, तो ये नो दाग क्रीम है, नो दाग क्रीम है। तो ये नो दाग क्रीम क्या क्या करता है, रिमूव स्कार्स, लाइटन, ब्राइटन एंड एक्स्ट्रा ग्लो, इसमें लिखा हुआ है ना, रिमूव स्कार करता है, आपको जो भी स्कार है फेस पे वो उसे रिमूव करता है, फेस को थोड़ा लाइटन करता है और ब्राइटन भी करता है और एक्स्ट्रा ग्लो भी लाता है ये क्रीम दावा करता है। तो अब दाग नहीं सिर्फ निखार दिखेगा ये बोल रहा है इसका। तो किस प्रॉब्लम को लिए यूज कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस प्रॉब्लम पर, यहीं पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, यहीं पे लिखा हुआ है कि कौन सा प्रॉब्लम के लिए इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बर्न स्कार्स, पोस्ट पिंपल स्कार्स, डार्क सर्कल्स अंडर द आईज, पोस्ट प्रेगनेंसी स्कार, स्केच मार्क, मेलेस्मा, मेलेस्मा जो होता है हाइपर पिगमेंटेशन और एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन फ्रॉम फेस, नोज, चीक्स। हम पर फेस के जिस एरिया पे ये सारी प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये वाला क्रीम यूज करते हैं। तो बेसिकली ये जो क्रीम है इसमें तीन फॉर्मूला है, थ्री कंपोनेंट मिला हुआ है, फॉर्मूला मिला हुआ है, जो वैसे इसमें पहला इंग्रेडिएंट रहता है हाइड्रोक्रिनियन एसन मोमेटोसन क्रीम, तीन इंग्रेडिएंट की वजह से तीन इंग्रेडिएंट मिला हुआ है इसमें, जिस वजह से हमारा फेस लाइटन अप और ब्राइटन अप होता है, ये आप देख सकते हो। और ये गाइस 20 ग्राम का है, तो ये एक अच्छा ऐसा है, और इसे कंपोजिशन है इसमें लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है कंपोजिशन क्या क्या है कंपोजिशन। तो इसमें हाइड्रोक्रोन इसमें 2% मिला हुआ है, टेटनॉल 0.25% मिला हुआ है, और मोमेटोसन फोरेट वो 10% इन क्रीम बेस 10% मिला है, इंडिकेशन डबल एक्शन रिमेडी फॉर हाइपर पिगमेंटेशन दैट हेल्प्स टू रिड्यूस एंड रिमूव स्कार्स मार्क्स ब्लेमिशेस पोस्ट पिंपल स्कार्स स्ट्रेस मार्क्स डार्क सर्कल्स अंडर आई एंड बर्न स्कार्स। ये सारे प्रॉब्लम ठीक करने के लिए ये वाला क्रीम यूज किया जाता है। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, तो बेसिकली मैं पढ़ देती हूँ क्या क्या लिखा है इसमें। अप्लाई ऑन द इफेक्टेड एरिया एंड मसाज जेंटली टिल द क्रीम इज फुली ऑब्जर्व्ड द क्वांटिटी कंटिन्यूम ऑफ द क्रीम टू बी अप्लाई क्वांटिटी क्रीम अप्लाई टू बी विल डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंट ऑपोजिशन ऑब्जर्वेशन इन द स्किन द एरिया टू बी अप्लाई वन एप्लीकेशन अरवाइज एट बेड टाइम Do not allow the cream to enter eyes and mouth. Discontinue the use if skin eight time आपको इसे यूज करना है, और सुबह आपको अच्छे फेस वॉश से आप धो सकते हो, और अगर आप इसे लगाते हैं आपकी स्किन अगर इरिटेशन हो रहा है तब आप इमिडिएटली इसे छोड़ोगे उसी मोमेंट पे, और अगर आपको ज्यादा इरिटेशन हो रहा है ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाके डॉक्टर को पूछ के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो ये लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है ऐसे ऐसे ये करता है आपको
ये लिखता है जिस जगह एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे वो दाग धब्बे जो भी है, जो फाइब्रो पिगमेंट्स जो भी जिस जगह पे है, आप सिर्फ उसी जगह पे अप्लाई करोगे, कोई और अलग जगह पे अप्लाई नहीं करोगे जहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली गाइस मैं कहाँ पे यूज करती हूँ, मैं आई थिंक मेरे नेक में यूज करती हूँ, मैं अंडर आर्म से यूज करती हूँ, और यहाँ के एरिया में मैं यूज करती हूँ ये वाला क्रीम। और मेरे फेस में तो इतना पिगमेंटेशन नहीं है, मैं इसलिए नहीं यूज करती। और गाइस मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी आप इस टाइप की क्रीम, आपकी ये स्टेरॉइड क्रीम है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी आपको फेस पे पूरे लगाओ। हाँ, अगर फेस पे किसी जगह पे आपको प्रॉब्लम है सिर्फ उठी स्पॉट, तो आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर जगह पे ही लगाओ, पूरा फेस पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसी पर्टिकुलर एरिया पे ही लगाओ। मैं भाई ये बोलूंगी, अब क्या होता है ना, आप सुनते नहीं हो, कुछ भी लगा देते फेस पे इरिटेशन होता है। और गाइस इस टाइप की क्रीम आपको लगाने से पहले जरूर टेस्ट जरूर कीजिए, और उससे पहले डॉक्टर को पूछ के ये क्रीम यूज कीजिए, बिना हम सब बोल रहे हैं बोल के यूट्यूब पर बोल रहे हैं बोल के आप यूज मत कीजिए, आप पहले डॉक्टर को पूछ के ही लगाइए, क्योंकि सबका स्किन टाइप अलग होता है, सबका प्रॉब्लम अलग होता है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका फेस को हार्म हो जाते हैं। तो बेसिकली ये 20 ग्राम का है, तो ये क्रीम कुछ ऐसा दिखता है, तो 20 ग्राम का है, आप 1 महीने तक के लिए यूज कर सकते हो। मैं बोलूंगी आप अल्टरनेट डे करके आप यूज करो जिस जगह पे है, 1 महीने तक यूज करो, 1 महीने के बाद आप इसे छोड़ दो, क्योंकि इस टाइप के क्रीम आप 1 महीने से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसका साइड इफेक्ट क्या है मैं बाद में बताऊंगी, तो आप 1 महीने से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। जिस एरिया पे पर्टिकुलर एरिया पे है आप उसी पर जगह पे लगाओ, हमेशा रात को ही लगाओ, दिन में इस टाइप की क्रीम मत लगाओ, और रेगुलर बेसिस पे आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें। अगर आप फेस पे किसी जगह पे लगा रहे हो तो सनस्क्रीन जरूर यूज कीजिए, क्योंकि बिना सनस्क्रीन में अभी अगर आपके यहाँ पे डार्कनेस में यहाँ लगा रहे हो, हाथ पैर पे किसी जगह पे लग रहा हो, तो बॉडी लोशन जो भी यूज करो उसमें आपको SPF होना चाहिए। अगर नहीं SPF यूज करोगे तो ये वाला क्रीम लगा के आपको कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि बिना SPF लगाओ तो स्किन डैमेज हो सकती है। तो यह है ये फिर एक्स्ट्रा यूज के लिए। तो गाइस ये सा है क्रीम, तो गाइस ये थोड़ा देख सकते हैं इस अमाउंट इतना, तो मैं बेसिकली इस क्रीम को लूंगी, थोड़ा सा आप देख सकते हो जितना अमाउंट बुलाइए थोड़ा सा ही लगा आपको। गाइस मैं बोलूंगी 7 दिनों में ये असर दिखता है, 7 दिनों में ये आपको बेदाग का चेहरा दिखता है। तो पर्टिकुलर मैं इस जगह पे ही लगाऊंगी, जिस एरिया पे मुझे डार्क है अनइवन है उसी जगह पे ही लगाऊंगी मैं, नेक पे ही, यहाँ पे नेक एरिया पे, मैं फेस में नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे फेस में नहीं है। इस जगह पे पूरा रात को लगाओ, कि अभी रात के टाइम में शूट कर रही हूँ तो रात को ही लगा रही हूँ मैं, इसे लगा कर सुबह में अच्छी तरह से अच्छे सोप से यूज कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके लगाया उसका पूरा। तो गाइस एक मेडिकेट, तो ये गाइस तो इस एरिया पे जिस जगह पे आप डार्कनेस है उस एरिया में से भी इस एरिया पे लगाती हूँ, बाकी और किसी एरिया पे नहीं लगाती क्योंकि मुझे फेस पे कुछ नहीं है। तो जिनको लोगों को फेस पे लगाना है मैं उनके लिए क्या एडवाइस करूंगी, तो पहली बात आप फेस पे लगा रहे हो पूरे फेस पे मत लगाइए, जिस एरिया पे है पॉजिटिव अगर इस एरिया पे है आप इस एरिया पे लगाओ, इस एरिया पे नहीं ये है उसे लगाओ। और गाइस जब लगा रहो आंखों के इस एरिया को छोड़ के ही लगाओ, क्योंकि इस एरिया सेंसिटिव होता है ये पे, इसलिए आप आंखों के आसपास नहीं लगा सकते, भले ही इसमें लिखा हुआ डार्क सर्कल में कहते मुझे नहीं, ये सब वाला टिप क्रीम आप डार्क ऐसे क्या बोलते आंखों के आसपास नहीं लगाओ। अगर आप फेस पे लगा रहे हो तो अल्टरनेट डेज करके लगाओ, अगर क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक फेस पे प्रॉब्लम है, पर अगर आप लगा रहे हो अल्टरनेट डेज कर, अगर आप मंडे को लगा रहे हो तो आप ओनिस्ट को लगाओ, उसके बाद ऐसे करके आप कंटिन्यू करो 1 मंथ, उसके बाद आप इमीडिएटली छोड़ दो, उसके बाद कुछ और ट्राई करो और क्रीम और कोई होम रेमेडी उस जगह के लिए, क्योंकि अगर आप इसे कंटिन्यू यूज करोगे तो इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है। तो साइड इफेक्ट क्या क्या है इसका, साइड इफेक्ट अगर आप ज्यादा टाइम तक लगाओगे तो इसका असर नहीं होता, क्योंकि आप एक क्रीम कोई भी क्रीम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए असर देता है, बहुत टाइम तक लगाओगे कुछ भी असर नहीं दिखेगा। और अगर आप फेस पे लगाओगे कंटिन्यू से तो आपका स्किन पतला हो जाएगा, और आपके अगर उसे छोड़ दोगे आप सोचोगे ये मेरा स्किन अब फेयर हो, उसे कंटिन्यू से लगाती हूँ, जितना लगाऊंगी मैं और ज्यादा गोरा हो जाऊंगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये वाला क्रीम आपको गोरा नहीं करता, ये बेसिकली एक मेडिकेटिव क्रीम है और स्टेरॉइड क्रीम है,
जो कि आपके इस दाग धब्बा हाइपरपिगमेंटेशन के लिए, बार बार बोलो हाइपरपिगमेंटेशन जो ऑनिबेर स्किन के लिए पर्टिकुलर है, आप उसे गोरे के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर बहुत सारे लोग इसे गोरे क्रीम समझ के ये वाला क्रीम लगा लेते हैं, नहीं होता। ये डॉक्टर मैं रिकमेंड करते हैं जब जिस जगह पे पर्टिकुलर चीजें होती है वो ये होता है ना, रीजन वसी से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, आप इसे लगा नहीं लगा सकते। और अगर इसे आपको छोड़ने के बाद आपका स्किन डॉल दिखता है बिल्कुल भी, आप वही क्या बोलते हैं जो पहले जो आपका स्किन लाइटन ब्राइटन था वो अब क्या बोलते हैं छोड़ने के बाद वो इमीडिएटली आप उसी जैसे पूरा इमीडिएटली छोड़ने के बाद आप पूरा जैसे आपका पहले जैसा स्किन था उससे ज्यादा आप खराब स्किन हो सकता है। डिपेंड करता है, सबका स्किन ऐसा नहीं होता, मेरा स्किन पे ऐसा नहीं, बहुत यूज किया है मैंने, देख के ही यूज किया है, हर कोई ऐसा नहीं है। आप बहुत टाइम तक यूज करते, लोग समझते बहुत टाइम के यूज करने के बाद आप बहुत ज्यादा गुराइज हो गए, नहीं ऐसा मत करो, एक लिमिटेड वन मंथ ही यूज करो। और आपका अगर कोई जगह जो जगह पे हाइपरपिगमेंटेशन जो भी है दाग धब्बे है उसी जगह का लगाओ, छोड़ने के बाद इमीडिएटली ये वाला छोड़ दो। अगर स्किन में इरिटेशन हो रहा है तो खुद का खुद से ट्रीट करने की कोशिश मत करो, डायरेक्ट डॉक्टर पास जाओ, वहां पे वो डॉक्टर जो सजेशन देंगे वही आप करो। तो ये इसका साइड इफेक्ट था। रही बात आपको यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा ये वाला क्रीम, नोदा क्रीम आपको हर मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। और जिसको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लिंक थ्रू जाके आप इसे बाय कर सकते हैं, करूंगी। पर एक लिमिटेड टाइम तक, पर ज्यादा टाइम तक ना यूज करें इस टाइप की क्रीम, क्योंकि इस टाइप की क्रीम ज्यादा टाइम तक यूज करोगे तो हानिकारक है। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, मिलती हूँ सबका नई वीडियो के साथ, नई प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, डू सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।